इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए एक समान मुआवजा, सर्विस लेन व गोल चक्कर की मांग करते हुए 19 गांवों के किसान सड़क पर उतर आए हैं। जिला गाजियाबाद डासना से शुरू की पदयात्रा में शामिल किसानों ने मेरठ पहुंचकर कमिश्नरी कार्यालय के समक्ष पार्क में डेरा डाल दिया है। किसानों की संख्या को देखते हुए आज कमिश्नरी व शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की ही दृष्टि से पुलिस ने इस आशय से कार्यालय गेट पर ताला लगा दिया ताकि किसान भीतर न घुसाएं। अलबत्ता आज किसानों ने डेरा डालते हुए वहां खाने पीने का पुख्ता इंतजाम कर लिया है। गैस व कढ़ाई चढ़ा दी गई है। इसे देखते हुए लगता है कि कल होने वाली पंचायत में धरने का लंबा खींचने का भी निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि इस कमिश्नरी घेराव को 6 नवंबर को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली समीक्षा बैठक पर दबाव के रूप में भी देखा जा रहा है। इस रोज प्रधानमंत्री प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा करेंगे। आइए पहले बात करते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बारे में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2015 को इसका शिलान्यास किया था। मोदी ने मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाली 82 किलोमीटर लंबी इस योजना के एक भाग 8.36 किलोमीटर का बड़े जोर शोर से उद्घाटन किया था। इस परियोजना की लागत 7,855 करोड़ रुपये बताई गई है। यह राजमार्ग अभिगम नियंत्रण दूरगामी मार्ग होगा। इस एक्सप्रेसवे पर 14 लेन दिल्ली से डासना तक होंगी और 6 लेन डासना से मेरठ तक। यूपी गेट से डासना तक 8 लेन का 6 हाईवे आएगा। 6 लेन का एक्सप्रेसवे भी साथ चलेगा। डासना से मेरठ आने के पूर्व एक्सप्रेसवे 2 शाखाओं में बंट जाएगा। एक शाखा जो रामपुर हापुड़ रोड की तरफ निकल जाएगी, जबकि दूसरी भूड़ बराल के पास 9 किलोमीटर की होगी। यह भी 6 लेन का होगा। बाद में 14 लेन तक के विस्तार का विकल्प रखा जाएगा। ये भारत का प्रथम 14 लेन राजमार्ग होगा। इस तरह से यह निर्णय पूर्ण होने के बाद भारत का सबसे चौड़ा राजमार्ग बन जाएगा। इस हाईवे पर 14 लेन के अलावा 2.5 मीटर का साइकिल ट्रैक भी होगा। देश के सबसे चौड़े इस सड़क पर बीच में 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा और दोनों तरफ 4 लेन के हाईवे होंगे, ताकि शहर के ट्रैफिक को बाहर से आने जाने वाले ट्रैफिक से अलग किया जा सके। यह प्रोजेक्ट मार्च 2020 तक पूरा होना था, लेकिन अब नितिन गडकरी ने जनवरी 2020 तक इसे पूरा करने के लिए और पब्लिक के लिए खोल देने की बात कही है। आगामी 6 नवंबर को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अन्य परियोजनाओं के अलावा इस हाईवे की भी समीक्षा प्रस्तावित है। अब बात करते हैं किसानों की। यहाँ एक्सप्रेसवे जिन गांवों से होकर गुजर रहा है उनमें डासना, चितौड़ा, रसूलपुर, सिकरौड़ा, कुशलिया, नाहल, नूरपुर, कचलीना, अमराला, जहांगीरपुर, पट्टी, भोजपुर, फजलपुर, पैलता, मुरादाबाद, जैनुद्दीन, तलहटा, चड़ियाला, सैदपुर के साथ मेरठ के सोलाना, काशी, अचरौंडा व परतापुर भूड़ बराल शामिल हैं। इन गांवों के किसानों ने बीते दिन पदयात्रा शुरू की और रात में मेरठ जिले के भूड़ बराल में रात्रि विश्राम किया। आज के कमिश्नरी घेराव के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए शहर व कमिश्नरी पर सुरक्षा के सुबह से ही पुख्ता इंतजाम कर लिए गए थे। दोपहर बाद जैसे ही भूड़ बराल से किसानों की पदयात्रा शुरू हुई, पुलिस हरकत में आ गई। कमिश्नरी कार्यालय के गेट पर ताला लगा दिया गया, लेकिन इसके विपरीत किसानों ने सामने स्थित पार्क में धरना प्रदर्शन करना ज्यादा बेहतर समझा। किसानों का नेतृत्व कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान ने इस मौके पर क्या कहा, आइए पहले हम वो दिखाते हैं। ये किसान यात्रा है और जो मेरठ और दिल्ली जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उस पर समान मुआवजे के लिए, सर्विस रोड के लिए, टोल फ्री करने के लिए बहुत लगातार सालों साल से वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसको लेकर तमाम किसान संगठनों के तमाम दलों के लोग इकट्ठा मिलकर पिछले 4 दिन से पदयात्रा कर रहे हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई सुनने वाला नहीं है। ये सरकार लगातार किसानों के विरोध में, नौजवानों के विरोध में जिस तरह से काम कर रही है, जो इन्होंने वादे किए थे उनसे कहीं दूर से दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं है। हम सब लोग मिलकर ऐसी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो किसानों से आपने वादे किए हैं, आय दुगनी करने का चाहे वादा किया हो, चाहे कर्ज माफ़ी का वादा किया हो, चाहे उचित दाम देने का वादा किया हो, वो सारे वादों पर सरकार फेल है।
आज यहाँ पर 19 गांवों का, लगभग 19 गांव हैं मेरठ से दिल्ली तक, मेरठ से गाजियाबाद तक, उन सबके मुआवजे की लड़ाई है। उसके साथ साथ जो रेलवे की जो लाइन बिछ रही है उसके बहुत सारे किसान पीड़ित परेशान हैं, ये उसकी लड़ाई है। ये पेरिफेरल पर जो पैसा किसानों का बकाया है सरकार के ऊपर, ये उसकी लड़ाई है। और हम सब साथी, खास तौर से लोकदल के सारे वरिष्ठ नेता, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए भी लोग इस आंदोलन में हैं, अलग अलग दलों के हमारे समाजवादी पार्टी के भी सभी लोग इस आंदोलन में शरीक हो रहे हैं, और महिलाओं से लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है, और बहुत शानदार और शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन का आगाज करते हुए और फिर अंजाम तक पहुँचाने की हम लोगों ने ठान रखी है। 5 तारीख को यहाँ पर योगी जी आ रहे हैं, 6 तारीख को इस एक्सप्रेसवे की समीक्षा मोदी जी कर रहे हैं। हमारा कहना है किसानों की बात सुने, नहीं सुनेंगे तो हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे। अब आज किसानों ने कमिश्नरी कार्यालय के सामने स्थित पार्क में डेरा डाल दिया है और कढ़ाई व चूल्हे शुरू कर दिए हैं। कल पंचायत होगी और कुछ निर्णायक फैसला भी लिया जा सकता है। किसानों का यह भी कहना है कि इस योजना में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार भी हुआ है। इसकी जांच तत्कालीन मंडलायुक्त प्रभात कुमार ने कराई थी, रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा डासना के प्रेम कुमार गोगी और संतोष कुमार गोगी को 22,500 रुपये मीटर की दर से मुआवजा दिया गया है। लिहाजा हाईवे के लिए अधिकृत जमीन से जुड़े प्रत्येक किसान को इस दर से भुगतान किया जाना चाहिए। बनी रहेगी हमारी इस खबर पर बराबर नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।